पीएन जंक्शन का एक फायदा यह है कि हम एसी करंट में से नेगेटिव साइकल्स रिमूव कर सकते हैं। एसी करंट क्यों फ्लो कर रहा होता है? अगर हमने पीएन जंक्शन के साथ एसी सोर्स लगाया हो तो जब एसी की पॉजिटिव वेव आती है तो जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है और हमें आउटपुट पे एज इट इज इनपुट मिल जाती है, और जब नेगेटिव साइकिल आती है पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस, कोई करंट फ्लो नहीं करता तो हमें आउटपुट पे कोई आउटपुट नहीं मिलती, जीरो। फिर जब पॉजिटिव साइकिल आती है फिर आउटपुट मिलती है, फिर नेगेटिव साइकिल पे जीरो, फिर आउटपुट पॉजिटिव, इस तरह हमें पॉजिटिव साइकिल्स मिलती हैं। इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, के आधी वेव हमने पॉजिटिव एज इट इज ले ली और नेगेटिव को हमने खत्म कर दिया। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ये होती है कि हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं और हम पॉजिटिव साइकिल एज इट इज हमारे पास आ जाती है और नेगेटिव साइकिल रिवर्स हो जाती है। इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम ये सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला सिंबल पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो हमारा जो लोड है, लोड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो होगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका मतलब है कि इधर से यहाँ ये पूरा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और ये पूरा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव पी साइड के ऊपर जब पॉजिटिव बैटरी होती है तो वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, यानी ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि इसके नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, और ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं करने देंगे। अब जब हमारा करंट आएगा तो वो यहाँ से जाएगा यूं, फिर यूं, फिर यूं, और यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। लोड में करंट की डायरेक्शन ये है, तो एज इट इज हमारे पास जो इनपुट करंट था वो आउटपुट के ऊपर आ गया। अब हम देखते हैं कि जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी फिर लोड में से डायरेक्ट करंट किस तरह फ्लो होगा। अब हम देखते हैं कौन से जंक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होंगे जब हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ये वो डायरेक्शन है जिसमें पहले करंट फ्लो कर रहा था लोड में से, अब दोबारा भी इसी में फ्लो करना चाहिए ताकि पोलैरिटी पॉजिटिव रहे, मगर इस दफा यहां पर नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि इनपुट करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब कौन से फॉरवर्ड बायस होंगे जो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है? ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये दोनों रिवर्स बायस होंगे। करंट फ्लो होगा इस तरह, यूं आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर रेजिस्टेंस में से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिसमें पहले हुआ था, और फिर यहाँ से अपनी पाथ कंप्लीट करेगा। यानी लोड के अंदर डायरेक्शन उसकी हमेशा यही रहेगी, इस वजह से अब नेगेटिव साइकिल में भी करंट हमें आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव मिलेगा। यूं हमने नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर लिया। अब हम कुछ स्पेशल तरह के पीएन जंक्शंस डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड है। ये एक ऐसा डायोड होता है जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसकी मटीरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होता है तो एक फोटोन एमिट होता है। हम इसको जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है, जब करंट इसमें फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उस दौरान वो होल्स के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर ये एलईडी ग्लो करता है क्योंकि ढेर सारे फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं। इनको हम डिफरेंट रेडियोज और टीवी और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज में एलईडीज इस्तेमाल होती हैं इंडिकेट करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो लाइट ऑन होती है। फोटोडायोड स्पेशल तरह के डायोड्स होते हैं जिनको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके जंक्शन के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट कराई जाए, उसके ऊपर लाइट डालें, तो लाइट एब्जॉर्ब होती है और उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से एन टाइप के अंदर होल्स और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होता है रिवर्स बायस में वो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लाइट को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोडायोड की मदद से। जितनी लाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे और करंट में इजाफा होगा। फोटोवोल्टाइक सेल का प्रिंसिपल फोटोडायोड वाला होता है कि जब लाइट पड़ती है एक सर्फिस के ऊपर, ऐसा मटीरियल होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, मगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फोटोवोल्टाइक सेल यूजुअली सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट सनलाइट को इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल
सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ अगर हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ग्रो कराएं तो इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसकी वर्किंग अब हम देखते हैं किस तरह होती है। इसको अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कराएं, एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव वाली साइड है उसको हम कहते हैं, उस वाली साइड पे जो एन टाइप मटेरियल है उसको हम कहते हैं एमिटर, और जो दूसरी साइड पे उसको हम कहते हैं कलेक्टर, और जो बीच में पी टाइप मटेरियल है इसको हम कहते हैं बेस। अभी हम देखेंगे कि क्यों। अब अगर हम बैटरी इस तरह कनेक्ट कराएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर एमिटर के अंदर, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगी, वो आगे जाना चाहते हैं मगर वो आगे जा नहीं सकते क्योंकि दो पीएन जंक्शंस हैं, एक इन एन और पी के दरमियान जंक्शन है, एक पी और एन के दरमियान जंक्शन है, और इनको वो इलेक्ट्रॉन्स अबूर नहीं कर सकते, ये गेट्स की तरह हैं। इनको ओपन, इन गेट्स को ओपन करने के लिए हमें इस पहले वाले पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। इस वोल्टेज को हम VB या बेस वोल्टेज कहते हैं, और हमें सिर्फ इतनी वोल्टेज चाहिए कि बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो, यानी सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट्स। नीचे वाली बैटरी जो VCC है इस पे हम हाई वोल्टेज देते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट या -12 वोल्ट, यहाँ से ज़्यादा करंट आ रहा होता है, मगर जब तक VB हम ना प्रोवाइड करें ये ज़्यादा करंट आगे नहीं फ्लो कर सकता। इसलिए ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि हम एक छोटी सी वोल्टेज से बाकी के पूरे सर्किट जो मेनली एमिटर और कलेक्टर के दरमियान है उसके अंदर गुजरने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एमिटर से करंट आ रहा है ये आगे जाके कहाँ जाता है। जब इसको आगे से फॉरवर्ड बायस मिलता है तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर देते हैं, इनका कुछ हिस्सा बेस करंट की सूरत में इस सर्किट को क्लोज करने में चला जाता है, इसको हम बेस करंट कहते हैं, मगर ज़्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स का आगे पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी से अट्रैक्ट होके इन बैरियर्स के ऊपर अगले वाले बैरियर से जंप करके आगे चला जाता है, और जो कलेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एमिटर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके आगे चले जाते हैं, और यूं हमारा मेन करंट इस वाले सर्किट के अंदर फ्लो करता है। इस आगे वाले करंट को हम कहते हैं कलेक्टर करंट, और जो एमिटर के अंदर करंट जा रहा था उसको हम कहते हैं एमिटर करंट। तो हम देख सकते हैं कि एमिटर करंट हमारा यहाँ से जा रहा था और ये आगे जाके दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। दूसरी हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब तक VB ना प्रोवाइड किया जाए ट्रांजिस्टर कलेक्टर और बेस के दरमियान भी, सॉरी एमिटर और कलेक्टर के दरमियान भी कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये कलेक्टर वाली साइड पे एरो होता है, ये बेस है और ये एमिटर है। बेस और एमिटर के दरमियान जब तक हम VB वोल्टेज ना दें तो बाकी का जो हमारा मेन सर्किट है जो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान है, जिसके साथ हमने VCC कनेक्ट किया हुआ है, वो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, यानी VB एक स्विच की तरह काम करता है। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी काम करता है, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है, क्योंकि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में शामिल हो जाते हैं कलेक्टर वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कलेक्टर के अंदर डोपिंग होती है काफ़ी ज़्यादा और उसका एरिया भी बड़ा होता है, तो ओवरऑल हमारा करंट कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए एम्पलीफायर के तौर पर भी ट्रांजिस्टर काम करता है और स्विच के तौर पर तो करता ही है। जो हमने अभी ट्रांजिस्टर पढ़ा उसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कि उसको एक स्पेशल आईसी की शक्ल में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको IC741 कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब हम इस आईसी की वर्किंग देखते हैं, क्योंकि इसको इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मगर हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज वन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके मेन इनपुट दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम इन्वर्टिंग और एक को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। इन्वर्टिंग के ऊपर जो भी हम इनपुट देते हैं वो हमें इन्वर्ट होके मिलती है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट एज इट इज मिलती है मगर एम्पलीफाई होके। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है, मेन इसका फंक्शन एम्पलीफिकेशन है, इन्वर्टिंग के केस में उसको इन्वर्ट भी कर देता है। और मजीद इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, एक ये कि इसके दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम आर एन कह देते हैं,
जो कि ऑलमोस्ट इन्फिनिट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी, इसकी आउटपुट के ऊपर हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान, और इसको अगर हम आर आउट कह दें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का गेन होता है जो हमें बताता है कि उसने कितने टाइम्स किसी चीज़ को एम्पलीफाई किया। वो गेन है हमारे पास जो हमारी लोड के ऊपर वोल्टेज आ रही है वी आउट, प्लस जो हमारी इनपुट के ऊपर वोल्टेज है वो। इनपुट के ऊपर वोल्टेज आर एन के अक्रॉस वोल्टेज है दरअसल वी इन, वी इन ओवर वी आउट, या इनफैक्ट वी आउट ओवर वी इन, यानी इनपुट पे कितनी थी और आउटपुट पे वो कितने टाइम्स बढ़ गई, वो उस एम्पलीफायर का गेन होता है। अगर आउटपुट पे 10 वोल्ट मिलती है हमें इनपुट पे 1 वोल्ट देने के नतीजे में, तो इसका मतलब है कि गेन 10 टाइम्स है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट दे के। अगर हम इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट देते हैं तो हमें साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ती है हमेशा, ये हमारी इनपुट है। इस केस में हम नॉन इन्वर्टिंग को एज इट इज़ ग्राउंड कर सकते हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर जो इनपुट होगी वो जीरो होगी, और हमें इन्वर्टिंग और आउटपुट के दरमियान एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी होती है एक फीडबैक लूप क्रिएट करने के लिए। इसको हम R2 कह देते हैं और इस पहली वाली रेजिस्टेंस को R1। अब हमारा लोड कहाँ पर कनेक्ट होगा, आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान। अब हम देखना चाहते हैं इस कॉन्फिग्रेशन का गेन कितना होगा। गेन होता है बराबर वी आउट ओवर वी इन। अगर हम वी इन क्या है, पॉजिटिव इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं उनका डिफरेंस, यानी कि वी इन है वी माइनस माइनस वी पॉजिटिव, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं उनका डिफरेंस है वी इन, वो हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंसेस के हिसाब से, तो हमारे पास आती है गेन आता है माइनस R2 ओवर R1। माइनस साइन रिफ्लेक्ट करता है कि वो इन्वर्टिंग है, और R2 ओवर R1 हमें ये बता रहा है कि हमारा गेन इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और लोड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप अगर एक खास गेन देना चाहते हैं अपने एम्पलीफायर को तो हम इन रेजिस्टेंसेस को चेंज करके दे सकते हैं। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फिग्रेशन में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी हम उसी तरह इन्वर्टिंग के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको हम R1 कहते हैं, और एक फीड लूप बैक रेजिस्टेंस होगी इन्वर्टिंग से, यानी रेजिस्टेंसेस वैसी ही रहेंगी, सिर्फ इस केस में हम इनपुट अपनी नॉन इन्वर्टिंग वाली टर्मिनल के ऊपर देंगे। अब हम गेन उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, उन दोनों का डिफरेंस वी इन है, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है और ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज है वो वी आउट है। गेन है हमारा वी आउट ओवर वी इन। किरचॉफ रूल अप्लाई करके हम इसका सर्किट एनालिसिस करते हैं, हमारे पास गेन आता है 1 प्लस R2 ओवर R1। इस केस में नेगेटिव साइन नहीं है और प्लस 1 है इस रेजिस्टेंस की वजह से जो इन्वर्टिंग के साथ हमने कैलकुलेट की, अटैच की। इस केस में भी गेन इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और लोड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज कंपैरेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरेटर मतलब एक ऐसी डिवाइस जो दो वोल्टेज को कंपेयर कर सकती है। इसके लिए हमें दो वोल्टेजेस चाहिए जिनको हम कंपेयर करें। एक वोल्टेज हमारी रेफरेंस वोल्टेज होगी और दूसरी वो जिसके साथ जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं रेफरेंस के साथ। रेफरेंस वोल्टेज हम नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको हम वी आर कह देते हैं, और जिस वोल्टेज को हमने रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है उसको हम इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर लगाते हैं। हम एक वेरिएबल वोल्टेज लेना चाहते हैं इसलिए हम कहते हैं हमने एक पोटेंशियोमीटर के साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया कि जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज होगी। ये वेरिएबल वोल्टेज है जहाँ पर, इसको हम वी कह देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए हमें दो VCC चाहिए होती हैं, एक पॉजिटिव VCC एक नेगेटिव VCC। और चूंकि ये एम्पलीफायर होता है तो अगर इसके दोनों इनपुट के दरमियान जो भी वोल्टेज होती है वी इन, उसको ये कई टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। इन दोनों इनपुट्स में कोई फर्क हो तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये जल्दी से सैचुरेट हो जाता है, यानी इसकी मैक्सिमम आउटपुट VCC अगर 12 वोल्ट्स है तो ये 12 वोल्ट्स आपको देना शुरू कर देगा, या माइनस 12 वोल्ट्स। अब इसको हम कंपैरेटर के तौर पे इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारी वोल्टेज V रेफरेंस वोल्टेज से बड़ी है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी V इन की। V इन क्या है,
वी माइनस वी आर। वी अगर बड़ी है रेफरेंस वोल्टेज से तो पॉजिटिव वैल्यू होगी वी इन की, आउटपुट फौरन से सैचुरेट हो जाएगी और हमें आउटपुट पे पॉजिटिव वैल्यू का मैक्सिमम क्या है 12 वोल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ये आउटपुट है। अगर वी वी आर से बड़ी है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा पॉजिटिव वी सी सी, और अगर वी वी आर से ज़रा सी भी छोटी है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा फौरन से सैचुरेट होके नेगेटिव की एक्सट्रीम वैल्यू माइनस वी सी सी देना शुरू हो जाएगी। इस तरह हम एक रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं और एक वोल्टेज को उसके साथ कंपेयर करते हैं, और ज़रा सा वो उससे बड़ी होती है तो हमें पॉजिटिव वी सी सी मिलता है और ज़रा सी कम होती है तो नेगेटिव वी सी सी। तो यूँ हम ऑप एम्प को एज अ कंपैरेटर यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक नाइट स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट स्विच वो होता है जो रात के वक्त लैम्प्स खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। उसके लिए सिंपली हमें एक डिवाइस चाहिए जिसको लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जब लाइट ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, लाइट कम होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हम ऑप एम्प लेते हैं और उसके इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज के साथ हम एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगी इन्वर्टिंग के ऊपर इस पॉइंट पे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, और यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज है और यहाँ पर आउटपुट है। रात के वक्त क्या होगा, हमें आउटपुट के ऊपर या वीसीसी मिलेगा या माइनस वीसीसी मिलेगा, डिपेंड करता है। अगर हमारी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इस तरह की है कि जब लाइट कम होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, हम ये अज्यूम करते हैं रेजिस्टेंस कम हो गई वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, वी ग्रेटर देन वी आर हो जाएगा, आउटपुट पे वीसीसी मिलना शुरू हो गया। तो फिर आगे हम एक सर्किट लगाते हैं कि जब पॉजिटिव वीसीसी आए तो वो खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाए, जब उसको पॉजिटिव वीसीसी मिले तो वो खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाए, जब उसको नेगेटिव मिले तो वो ऑफ हो जाए। ये कंडीशन लगा देते हैं, उसके ऊपर सर्किट बना देते हैं, और फिर यूं एक कंपैरेटर हमने लगाया होता है एलडीआर के साथ, लाइट डिपेंडेंट स्विच के साथ, जो खुद ब खुद लाइट के मुताबिक ऑन और ऑफ होता है।